Ooh. Mm -hmm. वेलकम बैक जी ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और आपको पता है कि हमारा आज मौजूद एक है औरत की तालीम और तरबियत क्यों ज़रूरी है मुझे एक गुजारिश करनी है जैसे आगाज़ में मैंने कहा था कि आप कॉल्स कर सकते हैं आप बिल्कुल कॉल कीजिए और अपने क्वेश्चन सामने रखिए पूछिए जो आप पूछना चाहते हैं लेकिन एक गुजारिश है आपसे और वो ये है कि जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हो उससे रिलेट करती हुई बात पूछे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके जो जेनेरिक क्वेश्चंस आप पूछते हैं शरिय सवाल आप पूछते हैं हफ्ते में दो दिन जैसे सुबह वतन हम पेश करते हैं मंडे और ट्यूसडे को तो उसमें आप वो जेनेरिक क्वेश्चन कर सकते हैं लेकिन अभी चूँकि ये ख़ास मखसूस टॉपिक के हवाले से बात हो रही है तो इसके लिए आप क्वेश्चन करेंगे तो थ्रू किए जा सकेंगे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी एक साथ हमें और मुजस मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं उनका भी तारुफ करवाता चलूँ फ़ायज़ा अमीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं फायज़ा अमीन साहिबा खैरियत से हैं जी अलहमदिल्ला माशा और इनके साथ मौजूद हैं निगत हाशमी साहिबा और चेयरपर्सनूर इंटरनेशनल और इनसे हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक के हवाले से मैम डेफिनेटली हम दोबारा उसी गुफ्तु पर आएंगे लेकिन अभी फ़ायज़ा अमीन साहिबा से पूछते हैं कि हमें क्या सुना रही हैं जी मैं ना सुना रही हूँ प्लीज़ सुनाइए أحمد مرسل فخر عالم صلى الله عليه وسلم مع نبوة مرسل خاتم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم अलहि की कुफ़र कील्म जिस्ने दीन की दौल जिस्ने लुटाय कुफ़र की जुल्म जिस्ने मीटाई दीन की दौलत जिसने लुटाई लेहरा ईद का परचम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहराया तो ईद का परचम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहम की हर जंजीर को तोड़ा रिश्ता इक अल्लाह से जोड़ा वहम की हर जंजीर को तोड़ा रिश्ता इक अल्लाह से जोड़ा शिर्क की महफिल कर दी हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क की महफिल कर दी बरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिछड़े हुओं को गले लगाया नस्लो वतन का फर्क मिटाया बिछड़े हुओं को गले लगाया नस्लो वतन का फर्क मिटाया रह गया कुछ तफर का हम

सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम, वसल्लम. सुभान अल्लाह आप जजर अता फरमाए मैम हम अपने उसी गुफ्तगू को जोड़ेंगे वहाँ से कि अगर आप अल्लाह की राह में देते हैं आप डोनेट करते हैं किसी मदरसे को किसी मस्जिद को या किसी मौलम को तो ये फिर क्या स्कूल ऑफ थाट है कि जी अगर लेट भी हो जाएगी नमाज तो फिर जब तक हम नहीं आएंगे तब तक नहीं पढ़ानी जबकि आप अल्लाह के दीन के लिए रहे हैं आप अपने लिए आ रहे हैं अपनी भलाई के लिए आ रहे हैं खैर के लिए आ रहे हैं दूसरी तरफ आप नाफरमानी भी कर रहे हैं ये रसुल्ला के अहद की बात है और अल्लाह की किताब में मौजूद है तो यानी इल्म से ज़्यादा दूरी की वजह से और ये है कि तहजीबी ज़िंदगी से ज़्यादा दूरी की वजह से उनके यहाँ ये चीजें आ जाती हैं इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीजें बर्दाश्त की जाए और इनको जारी रखा जाए लेकिन मौजूद इस वजह से हैं दूसरी बात यह है कि यानी मैं ये समझती हूँ कि ये बीमारियां तो हैं ये मसाइल तो हैं प्रॉब्लम्स मौजूद हैं सॉल्व कैसे होंगे सोलूशन की तरफ हमें की जाना तरफ कैसे है? मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ हमारे दिन की बात नहीं दुनिया का कोई नज़रिया हो दुनिया का कोई इलाका हो दौर कोई भी हो तब्दीली तालीम से आती है उसके लिए फिर तालीम देने की ज़रूरत है एजुकेट करने की ज़रूरत है ज़्यादा आसानी हो गई मीडिया सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा आसानी हो गई स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से जी। आप जो बात कहना चाहते हैं दुनिया के कोई किसी हिस्से में हो यानी टिकटॉक पे एक फर्द एक मैसेज देता है और यानी वो मैसेज जो है वो वायरल हो जाता है आज कोई ज़रूरत नहीं कि कोई बाकायदा उस्ताद हो आज ये भी जरूरत नहीं कि बाकायदा तालीमी इदारे हों हम पढ़ा करते थे स्कूल्स विदाउट वॉल्स आज अमली तौर पर देखते हैं कि बेशक स्कूल्स मौजूद हैं लेकिन जिसका असर सबसे ज़्यादा वो सोशल मीडिया सोशल मीडिया का असर बहुत गहरा है लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी अपनी जगह पर है सोसाइटी के अफरा की, की जिम्मेदारी अपनी जगह पर है खानदान की जिम्मेदारी अपनी जगह पर हर बच्चे के ऊपर और हर फर्द के ऊपर तो तीनों को अपनी जिम्मेदारियाँ संभालनी चाहिए कौन है कहाँ से है वाले वरहमल वीन हामिद कर

उसके ही कजन से जिस तरह के बेटे होते हैं अगर उनसे बात करने से बार बार मना करे या अगर एक अपनी के घर जाकर रहती है कुछ देर के लिए तो मजबूरन उसको अपनी दादी या दादा के घर जाकर उनका पता लेना पड़ता है तो उस बात मसला करे तो क्या हमें उसकी ये भी बात माननी चाहिए बहुत शुक्रिया थैंक यू आपके कॉल करने का गुजारिश यही है कि जो मैंने आगाज में कही थी कि बात करें तो बहुत अच्छा होगा जी जहाँ तक शौर और बीवी के मामलत का ताल्लुक है इसमें कोई शक नहीं है कि शौर का ये राइट है कि उसकी बीवी उसकी इतात करे इसके ऊपर ख़वातीन को बहुत सारी रेज़र्वेशन होती हैं जो ख़ास तौर पर अल्लाह सवन् तआला से वो मोहब्बत वो ताल्लुक़ नहीं रखती जिसकी वजह से अल्लाह ताला की बात मानना मुश्किल लगता है रसुल्ला की बात मानना मुश्किल लगता है लेकिन नेचुरली हर इदारे की कामयाबी के लिए कुछ असूल जबते तो बनाने पड़ते हैं और हर इदारे में कोई ना कोई बड़ा होता है और जहाँ तक शौर का ताल्लुक है तो जब तक वो अल्लाह की नाफ़रमानी में कोई हुक्म नहीं देता तो उसकी इतात की जाएगी और अगर अल्लाह की नाफरमानी में कोई हुक्म है तो उसको नहीं माना जाएगा अब यहाँ ये देखने की बात है कि आप अगर अपने यानी मेल मेंबर्स में से किसी से मुलाकात करना चाहते हैं कोई बात करना चाहते हैं हैं या इवन बहुत करीबी महरम रिश्तेदार हैं कज़न तो ज़ाहिर के महरम भी नहीं होते तो ये शौर की सवाबदीत है कि वो यानी अगर नापसंद करता है तो औरत को नहीं बात करनी चाहिए उससे रुक जाना चाहिए क्योंकि ख़ानदानी मामला मुतासर होते हैं अब देखिए कि, कि किसी कंपनी में एक लड़की जॉब करती है और आ, आप किसी कंपनी में टेलीफोन करके देखिए आप उससे कोई क्वेश्चन करेंगे आपको एक ही आंसर मिलेगा क्योंकि ये तय कर दिया जाता है कि इससे ज़ायद आपने बात आगे पीछे नहीं करनी इदारे इसी तरह से चला करते हैं और ख़ानदान का इदारा बहुत अहमियत का हामिल है और इसमें अगर किसी के इंटरविन करने की वजह से किसी मर्द से उसके आने जाने से शौहर को अगर कोई प्रॉब्लम है तो औरत को एहतियात करनी चाहिए और इसमें कोई हरज की बात नहीं है कोई लूप होल होता है जहाँ से इबलीस को फिर मौका मिलता है और ताल्लक़ ख़राब होते हैं और जहाँ तक वालदे के पास जाने का ताल्लुक़ है उनकी अयादत का या उनकी तीमारदारी का या उनके साथ वैसे मुलाकात का तो शोर को भी सिला रहमी के तहत इजाज़त देनी चाहिए लेकिन ये है कि ये बाहमी ताल्लुक की दुरुस्तगी पर मनहसर है कि आपस में एक दूसरे के साथ मिल के तय करना चाहिए और ख़ानदान के लोगों को भी इन चीज़ों की निगहबानी करनी चाहिए कि जबर का माहौल पैदा ना हो लेकिन यह है कि अगर कोई परेशानी ज़्यादा बढ़ी हुई हो तो ऐसी सूरत में औरत को कुछ अरसे के लिए यानी थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए ताकि फिर हालात दुरुस्त हो जाएं और फिर मामला अपनी डगर पे चले जाएं और अगर खुदा खास्ता दोनों के दरमियान इतने ही इख्तलाफ हों तो जायजा भी ले लेना चाहिए कि कब तक ये गाड़ी चल सकती है क्योंकि हुस्ने मामला के साथ ही मामला मौम, आगे बढ़ते हैं अल्लाह सौन्न तआला सबको तौफीक दे कि खानदानी निज़ाम को मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा कर सके एक और लाइव कॉलर मैम शामिल करते हैं कौन है कहाँ से है जी वालकमत लाला जी शफीक अवान बोल रहा हूँ जी फैसला आबाद से जी शफीक अवान साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने का फरमाइए क्या पूछेंगे आप जी मेरा ये था कि सवाल था मुतमा से ये जो अपने मुशरे में बगाड़ पैदा हो रहा है इसको सुधारने के लिए एक तो मेरी तजवीज़ थी ये कि तलीमी इदारों में जो अरबी की तालीम है पहली शुरू क्लासों से शुरू की जाए ताकि वहाँ के बच्चियों और बच्चों को शूर हासिल हो और दूसरा ये उल्मा कराम जो है ना वहाँ पे जब जो ख़तीब हजरात हैं इनको कि वो जब भी कोई नौजवान जो पढ़े लिखे इसमें वकील डॉक्टर या टीचर जी. उन क्लासे लगाई जाए अरबी की ट्रेनर की जो कुरान के मुतल अरबी की जरूरी है जी ठीक ताकि जो कुरान के मुतलक जो अरबी जिसकी जरूरत है वो इन लोगों के जरिए इनको ट्रेन करके आगे यही लोग फिर अपनी मुख्तलि मसाजिद में कोई ऐसा वक़्त होना चाहिए कि वहाँ पे क्लासें लगे ताकि लोग लोगों को शाऊर आए और कुरान के साथ तलक पैदा हो ताकि इसका हमारा दारोमदार आखरत की कामयाबी के लिए है बेशक, बेशक। तो इसको हाँ इसको हम नहीं करेंगे तो फिर हम दुनिया और आखिरत में फिर हमारे लिए ये माशरे को सुधारना और अपने आखिरत बनाना तो ये हमारे लिए फिर मुश्किल है इसकी तरफ कोई बहुत शुक्रिया मैं माजरत चाहूंगा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ वक्त कम होता है क्वेश्चन भी आपने पूछना है सर क्वेश्चन मेरा यही था कि आपने अरबी को लाजमी ठीक है ठीक है ठीक प्राइवेट अदारे हो या सरकारी जी जी बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का थैंक यू वेरी मच अच्छा बात वही है कि तरह सजेशंस दे रहे हैं आप और डिफरेंट टॉपिक्स पे आप सवाल कर रहे हैं अगर टॉपिक पे रहें तो बहुत अच्छी बात होगी हम टॉपिक पे आते जी हैं मैम ये चलती रहेंगी बातें नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरत की तालीम और तरबियत की कौन सी ऐसी अहम मिसालें मिलती हैं जैसे हमें याद है आप बेहतर बता सकती हैं कि ख़वातीन ने कहा कि हम तालीम हासिल करना चाहती हैं और आपके पास मर्द हजरात का रश बहुत होता है एक दिन मुख्त कर दिया गया ख़वातीन की तालीम के हवाले से और मिसालें क्या मिलती हैं मैं ये समझती हूँ कि अगर बुनियादी बात देखी जाए कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ने खात की तालीम के लिए यानी क्या सिस्टम बनाया जी तो हम ये देखते हैं कि आपने एक से ज्यादा शादियां और अल्लाह सन्ना तला के हुक्म से की और मुख्तलिफ खानदानों कबीलों और मुख्तलिफ उम्र की खातन से की फिर उनको ट्रेंड किया और मैं उस ट्रेनिंग में से मिसाल देना चाहती हूँ कि प्लीज, आप प्लीज. किस तरह से ट्रेंड करते थे यूं तो यानी ख़ुत की तालीम का सिलसिला घर पे जारी ही रहता था और ये कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी लेकिन इनफॉर्मली जितना उम्दा तरीके से उन्होंने सीखा उम्मत के मर्दों को भी उनके तवसत से रसोल्ला के निजी ज़िंदगी और ख़ानदानी मामलत के बारे में ज़्यादा आगही हुई जी रात को जब अल्लाह साल की इबादत के लिए उठते थे तो फजर की नमाज से पहले थोड़ी देर आराम करते थे सईद आयशा जाग रही होती हैं तो उस दौरान नबी वसल्लम उनसे बात करते थे अब वो बातचीत क्या होती थी क्या ख़ानदानी मामल के बारे में या वो ख़वातीन जो आपके निकाह में थी उनकी शिकायतों के हवाले से कोई बातचीत थी या ये है कि ससुराल वालों की कोई नाराज़गी कोई शिकवा या कोई और ऐसा सिलसिला था नहीं वो इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज था तरबियत थी वो, वो तरबियत का मौका था और सईद आयशा के जहन में जो कन्फ्यूजन जो बात होती थी जो सवाल करना होता था वो सवाल करती थी और आप देखें कि ये वक्त ऐसा होता है कि बातें आपके अंदर इस तरह से उतरती हैं कि जैसे माह्रीन नफ्सियात कहते हैं कि जो चीज़ इंसान के अंदर उतरती है उसके लाशूर में पीछे चली जाती है और वो अपना रोल हमेशा प्ले करती फीड हो गई फिर मेमोरी में पीछे फीड हो गई, हो गई सही, सही। सही। तो वो यानी एक माइंडसेट तैयार किया उन खुतिन का ताकि वो ख़ुत के हल्के में एजुकेट करें यानी एक दिन देना काफ़ी नहीं है क्योंकि ख़वान को एजुकेट करने के लिए अजवाज मतःरात ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया और इन ख़ुत ने खूस सईद आयशा ने उम्मत के मर्दों को भी जिस वक्त रहनमाई की ज़रूरत होती थी और वो उनके पास जाते थे तो उनको भी एजुकेट करती थी फ़ुका सभा जो सईद सदर के दौर में थे सात ऐसे अफराद थे जिन्होंने उम्मत के लोगों को जो मसाइल दरपेश होते थे उनका सल्यूशन देते थे जिन्हें फुखाय सबा कहा जाता था तो वो जब किसी मसले में ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाते थे जहाँ पे उन्हें हल नहीं मिलता था तब वो सईद आयशा के पास आते आते थे जी। और सईद आयशा फिर उन मामला को इतनी आसानी के साथ सॉल्व कर देती थी अल्लाह ताला के फजलो करम से कि वो मामला मर्दों से सॉल्व नहीं हो पाए वही तालीम है जिसका आप अभी ज़िक्र कह रही थी जो नबी मकरम सल वसल्लम की तरफ से मिलती थी अच्छा मैं मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं इस मामले में कि कहा जाता है कि एक फ़र्द जो है एक आदमी जो है एक मर्द जो है उसकी तालीम एक फ़र्द के मुताबिक लेकिन एक औरत एक माँ की तालीम जो है उसको तलीम हासिल करना पूरी एक जनरेशन के लिए पूरी एक नस्ल के लिए आपने इसको कैसे देखा है देखिए दो एंगल्स हैं जी औरत को तालीम देने के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पहले जाविये से हम देखें तो सिर्फ ख़ानदान की तालीम भी मर्द के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत रखती है मुराद ये है कि मर्द ने चूँकि अपनी मुशी जिम्मेदारियों को पूरा करना है उसका कम वक्त है जो अपने घर वालों के दरमियान गुजरता है इसके मुकाबले में खातून का ज़्यादा वक्त है जो घर वालों के दरमियान रिश्तेदारों औलाद के दरमियान गुजरता है तो नेचुरली उसने एक यानी इंसान साजी का काम करना है रोजी कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इंसान साजी से बड़ा कोई काम नहीं है इंसानों को अच्छा इंसान बनाने के लिए मैं जब अच्छा का वर्ड बोलती हूँ तो मुझे हमेशा कुछ लोगों की बातें मेरे माइंड में गूंजती हैं वो कहते हैं अच्छा का वर्ड क्यों बोलते हैं ये तो जजमेंटल हो जाना है ये तो हर एक का अपना एक स्टैंडर्ड होता है मैं ये समझती हूं कि इंसानों का जो भी स्टैंडर्ड हो वो ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है हम तो उसकी बात करते हैं जिसने इंसानों को पैदा किया जी तो किसी भी चीज के मोजिद को हक होता है कि वो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दे तो इंसानों को तख्लीक करने वाला रब है उसने जिस चीज को अच्छा कहा वो अच्छा है ठीक है भला है खैर है और जिसको बुरा कहा वो बुरा है तो बात है इंसान साजी की इंसानों की तहजीब की इंसानों को तहजीब सिखाने की तो मैं ये कहती हूँ कि माँ की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है जब बच्चा पेट में है उस वक्त भी उसे अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है और आने वाले बच्चे की खातिर अपने आप को किस तरह से संभाल के रखना है और फिर यानी दूध पिलाने से लेके बच्चा जब होश की उम्र को पहुंचता है उस वक्त तक उसकी जिम्मेदारियां किस कदर ज्यादा है आप मुझे ये बताइए आपको याद पड़ता होगा आपको खाना खाना कैसे खाया जाए किसने से खाया था कपड़े कैसे पहने जाए सोने से पहले क्या किया जाए आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर वक्त माँ की ट्रेनिंग में थे हर वक्त आपको कोई ना कोई समझाने वाला बताने वाला था मुझे याद पड़ता है कि मुझे जब शर्ट पहननी नहीं आती थी मेरी आ, एक बाजू फंस जाती थी मुझे समझ नहीं आती थी तो मेरी माँ मुझे यानी वो भी पहनना सिखाती थी साथ साथ ये भी कि जब दुआ पढ़ के आप कपड़े पहनते हो तो उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ हो जाती हैं तो, तो ये है कि दुआ पढ़ी थी दुआ की थी अल्लाह ताला से तो मैं ये महसूस करती हूँ कि, कि यानी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी वक्त ख़त्म ही नहीं प्रोसेस है ये चलता और रियली रियली अगर मेरे बस में हो जी, जी। तो ये सारा तालीमी निज़ाम तब्दील करके ख़्वीन के लिए उनके लिए मदर एजुकेशन लाजम कर दें कम अज कम उन्हें अपनी बुनियादी जिम्मेदारी तो पूरी करनी आए उसके साथ आप जो जी चाहे जिसका जो पोटेंशियल है उन्हें जरूर सिखाइए स्किल्स दीजिए आज कितना ज़्यादा जोर है बच्चों को स्किल्स सिखानी है बड़ों को सिखानी है खुवान को स्किल्स सिखानी है हुनर सीख के क्या करेंगे रोजी रोटी कमाना सीखेंगे ना कि रोजी रोटी कैसे कमाई जाए तो वो जो यानी रोजी रोटी कमाना या आप का कमाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नस्लों की तमीर ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेटली इस पर बात करनी है ये बहुत है। बड़ा अहम टॉपिक आप इस तरफ ले आई आएंगे इस पर मुझे गुफतु करनी है लेकिन अभी हम एक ब्रेक की जानब चलेंगे और मैं शुक्रिया अदा करूँगा फ़ायज़ा अमीन साहिबा आप तशरीफ़ लाएंगे हमारे साथ मौजूद रहेंगे अभी मैम निगत हाशमी साहिबा हमें मजीद गुफ्तु करनी है आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए मिलते है छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा